अरे एक बार आपने सोचा तक नहीं, अगर जीजा जी को सबके बारे में पता चलेगा तो वो तो शर्म से मर ही जाएंगे कि उनकी बेटी ने एक प्रेग्नेंट औरत के बच्चे को मारने की कोशिश की। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पति पर भरोसा ही नहीं करती। अरे शोभित भाई तो पूरे दिल से आपके साथ रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, चार्मी आई थी उनके पास, रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे अपनी जिंदगी में वापस ले ले। लेकिन नहीं, शोभित भाई ने साफ साफ मना कर दिया था। आप भी चाहती थी ना कि आपको घर की बहू की इज्जत मिले, पति का प्यार मिले, लेकिन आपने खुद अपने हाथों से दोनों के दोनों रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। गुरबीर, नंदनी सुन, नंदनी प्लीज मेरा विश्वास कर, सच्ची में बूम को नहीं मारना चाह रही थी। वो तो किस ऑफिन का कहती हूँ नंदनी, सच्ची वो तो मेरे मन को धक्का लग गया था। प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ नंदनी, मुझे बचा ले, मुझे नहीं जाना नंदनी। दर्श जी को फंसाने की कोशिश क्यों की? कांच के टुकड़ों पर उनके उंगलियों के निशान। हाँ, लैब में उस लड़की को रिश्वत देकर वो ब्लड रिपोर्ट का बदलना, वो सब क्या था? दर्श जी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? नंदनी मैं और क्या करती, मैं डर गई थी। और मैं तुम्हें पुलिस का साथ दस महीने था तो मैंने सोचा कि वही सब बढ़ाते रहते, क्योंकि अगर वो लोग छानबीन में लग जाते तो फिर आज नहीं तो कल वो मुझ तक पहुंच ही जाते ना। मेरी सच्ची मेरी ना सोचते समझने की शक्ति सब खत्म हो गई थी। मुझे भी सीधा बताएंगे नंदनी, तू मुझे बता सकती है? तू बस मुझे बता ले नंदनी, प्लीज 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 मुझे बता ले नंदनी, बात कैसे माफ कर दूँ? हाँ मान गई, पहली बार मिल पर आपने जान के हमला नहीं किया, गलती से धक्का लग गया। लेकिन हॉस्पिटल में तो उनका खून करने की कोशिश की थी ना, जान लेने की कोशिश की ना मिलके। अरे मैं डर गई थी नंदनी, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं, मेरे पास बस एक ही रास्ता था, क्या करती मैं? हमारे घर में जो सब हो रहा था, जो भी बातें हो रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता था आपको? ओह, शोभित भाई तो सारी बातें शेयर करते ही होंगे आपसे। उन्हें क्या पता था कि उनकी पत्नी तो मुजरिम है, चोरी की माँ की जान लेना चाहती है। नहीं नंदनी, तुम सब गलत समझ रही हो, घर की इन्फॉर्मेशन सारी देने वाली तो... नंदनी चार्मी, ये यहाँ पे कहाँ से आ गई? पर चलो कम से कम ये मेरा साथ तो देगी। थैंक गॉड नंदनी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई, पता नहीं वरना ये तुम्हें अकेला देखकर यहाँ क्या करती तुम्हारे साथ नंदनी। चार्मी ये तुम क्या? सब सुन लिया मैंने, मेरे बच्चे को मारने आई थी ना तुम, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? आज तुम्हें पुलिस के हवाले तो मैं खुद करूंगी, बताऊंगी उन्हें कि राजवी आंटी पर हमला करने वाली मुजरिम तुम थी। मेरे बच्चे को मारना चाहती थी तुम। हाँ चार्मी छोड़ दो इसे, इसे क्या सजा देनी है उसका फैसला कानून करेगा। चार्मी मेरे बच्चे को मारना चाहती थी तुम। चार्मी शांत हो जाओ, चार्मी मेरी बात सुनो। वो तो गया तेरा, तू क्या वो सारे इल्जाम मुझ पे डाल रही है? तूने हमेशा से मुझसे नफरत ही की है,
उस दिन शादी वाले दिन भी मुझे कमरे में बंद करके जबरदस्ती शोभा से शादी कर ली, और आज मेरे ही बच्चे को मारने आई थी तुम। मारना नहीं चाहती थी कुन, लेकिन अब अगर तुम जिंदा बच गई तो मेरी सच्चाई सबके सामने बाहर आ जाएगी। मेरे बच्चे को मारने आई थी तुम, तो हिसाब बराबर। चार्मी, चार्मी, नहीं, तू ये नहीं कर सकती है। तुझे याद है ना कि अगर अगर मुझे कुछ हो गया ना तो वो सबूत का टुकड़ा वो मेरे पास है, वो कांच का टुकड़ा जिसके ऊपर तेरी उंगलियों के निशान है, वो मेरे पास है, याद है ना तुझे? तो तुम मुझे ऊपर की तरफ मेरा हाथ मत छोड़ना चार्मी, प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना, भगवान के लिए। क्या कर दिया मैंने? राजवी आंटी, कौन? राजवी आंटी, राजवी आंटी, इनकी पल्स तो बहुत लो है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये तुमने क्या कर दिया गुन? और तुम ऐसे भेस में क्यों हो? मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मोम गलती से आकर कांच के टुकड़े पे गिर गई। तो याद रख, तेरे ये कांच का टुकड़ा ये मेरे पास है, जिसमें तेरी उंगलियों के निशान है, समझी? और तेरी तो उंगलियों के निशान आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने टुकड़े उस पे लेने। तेरे फिंगरप्रिंट वाला कांच का टुकड़ा मेरे पास है और दूसरा वाला वही है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, वो कुछ भी कर रही हूँ मैं, पर तेरे पास अब कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि शादी में जो कुछ भी हो गया ना वो सबने देखा है, तो सारे घर वालों को विश्वास हो जाएगा कि ये मोम का खून है वो तूने ही किया, समझी? और सुन, अब अगर तुझे जेल जाने से बचना है तो तूने ना कुछ देखा है और ना कुछ सुना है, और अब तुझे ना इस घर में मेरी आंख और कान बन के इस घर में रहना है, समझी? क्योंकि तो बचेगी नहीं, लेकिन ये सारे घर वाले, घर वाले क्या सोच रहे हैं, क्या किस पे शक है, या पुलिस,
पुलिस को कैसे शक है? ये सब तुझे मुझे बताना, समझी? तो तू याद रख, अगर गलती से भी मेरा नाम बाहर आ गया ना, तो एक आज का टुकड़ा जिसके ऊपर तेरी उंगलियों के निशान, मैं सीधा जाके पुलिस को दे दूँ, समझी? अब तू ये सोच कि तेरा बच्चा जेल में पैदा होगा, ये तेरी सारी जिंदगी और तेरे बच्चे का बचपन वो भी सब जेल में बीतेगा। चलेगा ना तुझे? हाँ, मैं कैसे? अगर तुम ये कांच का टुकड़ा लेकर जाओगे तो लोग कहेंगे ना कि मर्डर वेपन कहाँ है? मर्डर नहीं, और वेपन है ना वहां पे, और मर्डर नहीं, एक्सीडेंट। ये भगवान, ये टॉफी नहीं है। और तू जा, गायब हो जाए यहाँ से, और गलती से भी किसी के सामने भी मुंह मत खोलना, नहीं तो पक्का जेल जाएगी तू, ठीक है? चल। ऊपर ले ले मुझे, जाने दे इसकी, हमने वादा किया ना चार्मी कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। प्लीज मुझे ऊपर की दीजिए चार्मी, प्लीज मुझे ऊपर की दीजिए, ऐसा मत कर मेरे साथ। चार्मी प्लीज मुझे बता दे, मैं जिंदगी भर से गुलामी करूंगी चार्मी, प्लीज ऐसे मत कर चार्मी, मुझे ऊपर की। नंदनी को सच्चाई तक पहुंचने से किसी भी तरह से रोकना होगा गुण। नंदनी के वापस आ जाने से सब कुछ बर्बाद हो गया है। अच्छा खासा दर्श के साथ मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगी थी। दर्श भाई के साथ? हाँ गुण, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि अब तुम्हें मेरी वजह से इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे दिल में शोभित के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि प्यार तो अब मैं दर्श से करने लगी हूँ, और उन्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नंदिनी को अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ मैं। और नफरत तो तुम भी करती हो ना नंदिनी से, फिर तुम्हारी और मेरी दुश्मन तो एक ही हुई ना गुन। और वैसे भी जब तक नंदिनी यहाँ रहेगी, तुम्हें कभी भी रावल परिवार की बहू होने की इज्जत नहीं मिलेगी गुन। इसीलिए हमें साथ में मिलकर नंदिनी को रास्ते से हटाना चाहिए गुन। तो अब लाओ वो कांच का टुकड़ा मुझे दे दो। अब मुझे ब्लैकमेल करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अब मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनूंगी गुण। लाओ। नहीं नहीं अबिन, इतना भी कोई प्यार नहीं उमड़ रहा मेरे दिल में तेरे लिए। जब तक वो पुलिस की फाइल पूरी तरीके से बंद नहीं हो जाती ना, तब तक अपने बचाव के लिए वो कांच का टुकड़ा मेरे पास ही रहे, ठीक है? ठीक है, अगर तुम वो कांच का टुकड़ा अपने पास रखने से सिक्योर फील करती हो तो रख लो, लेकिन गुन हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे हम तो बच जाए लेकिन दर्श को भी जेल ना जाना पड़े, क्योंकि मैं उन्हें सलाखों के पीछे नहीं देख पाऊंगी। तू प्लेन में तो बैठी है ना, तो तुझे तो पता होगा कि प्लेन में क्या कहते हैं। दूसरों को ऑक्सीजन मास्क पहनाने से पहले खुद अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो। तो पहले खुद का तो सोच, कौन जेल जा रहा है कौन नहीं ये सब बाद में सोचना, पहले खुद को तो बचा। याद है मुझे, तुम्ही ने कहा था ना
कि दूसरों का बचाव करने से पहले खुद का बचाव करो, तो वही कर रही हो। नहीं दादी, ऐसा मत कर मेरे साथ। नहीं दादी, नहीं ऐसा मत कर मेरे साथ। तुमने देख कभी नहीं जाने, इसीलिए तूने ना दिल्ली को यहाँ से भेज दिया ना, कि ताकि तू ये कर सके मेरे साथ। नहीं ऐसा मत कर मेरे साथ, प्लीज मुझे ऊपर कीजिए। नहीं ऐसा मत कर, मुझे मर जाने। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।